हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं खुशी और आप सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करूंगी वो है मनी प्लांट को कैसे आप हेल्दी बुशी और बहुत जल्दी ही इसको बुशी कर सकते हो। इसी टॉपिक पे मैं आज आपसे बात करूंगी और कैसे लगाने से आपके जो मनी प्लांट है बहुत जल्दी ये ग्रो कर लेगी, मरेगी नहीं। कभी कभी क्या होता है, हम मनी प्लांट की कटिंग लगा देते हैं, पानी में तो अच्छे तरीके से ग्रो हो जाती है, लेकिन मिट्टी पर लगाने से क्या होता है, जो आपकी प्लांट है वो एकदम सड़ने गलने लगती है और ड्राई होकर वो मर जाती है। तो इसी टॉपिक पे आज मेरा ये वीडियो है। फ्रेंड्स, वीडियो को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, ये है गोल्डन पोथो जिसको बोलते हैं, ये इंडियन देसी वाला है और बहुत सारी आपको वैरायटी मिल जाएंगे, बहुत सारी वैरायटी मेरे पास भी है, लेकिन मैं आज बात करूँगी ये जो कॉमन एक मनी प्लांट है इसके बारे में मैं ही आज आपसे बात करूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तो हर घर में ही ये मनी प्लांट मौजूद है और सभी रखना भी चाहते हैं इसको। तो इसको ग्रो करना बहुत इजी है, कटिंग से इजीली ग्रो हो जाती है, पानी में तो बहुत जल्दी ग्रो कर लेती है, लेकिन मैं आज बात करूंगी मिट्टी की, मिट्टी में आप कैसे इसको ग्रो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आती है मनी प्लांट की जो लोकेशन है, आप इसको कहाँ रखोगे। अगर आपने मनी प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट पे आपने रख दिया तो आपकी मनी प्लांट जो है वो ख़राब होने लगती है, उसकी जो लीव्स की जो कलर है वो थोड़ी सी ऐसे जलने लगती है, लीव्स थोड़ी सी जलने लगती है। इसीलिए आप मनी प्लांट को जब भी रखोगे, जिस लोकेशन पे रखोगे, आप इसको हैंगिंग रखो या फिर आप इसको पॉट में रखो, जिस पे भी रखो, आप अपनी मनी प्लांट को थोड़ी सी इनडायरेक्ट सनलाइट जहाँ पड़ती हो वहाँ आप रखो। मतलब छन के धूप अगर आती हो, अगर आपकी छत पे आपने रखा है और छत पे आपकी ग्रीन नेट है तो इसके नीचे रखने से बहुत अच्छी तरीके से चलती है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण ही आपकी जो लीव्स है वो इस तरीके से ऊपर से ऐसी बर्न होने लगती है, तो आपकी मनी प्लांट की कलर भी अच्छी नहीं होती और वो इसकी जो लीव्स है वो हेल्दी नहीं होती। तो पहले आती है लोकेशन, दूसरी बात है आप इसको घना कैसे करोगे। इस प्लांट को अगर आप एक टहनी अगर लगाते हो तो वह घना नहीं होगा। देखो, एक एक टहनी अगर आप ऐसे लगाते हो तो घना नहीं होगा, ऐसे ऐसे लटकती रहेगी। तो इसको लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लटकी हुई है इसको लगभग, इस डाली को आपको, एक डाली को लगभग 20-25 अगर पॉट पे लगाते हो या फिर हैंगिंग पे लगाते हो, 20-25 काट लगा के इस तरीके से आप जो रूट निकली हुई है यहाँ से आप कट कर दो, उसके बाद आप लगा दो, इस तरीके से लगा दो। तो 20-25 अगर एक साथ आपने पॉट पे लगा दिया, पूरी पॉट को भर के आपको लगाना है, तो बहुत जल्दी ये बुशी हो जाएगी। तो यही एक तरीका है आपकी मनी प्लांट को बहुत जल्दी बुशी करने का। सभी जब एक साथ ग्रोथ पकड़ लेगी तो एक साथ ही पूरी बुशी हो जाएगी। मैंने इस पॉट पे लगाए हुए लगभग, इसको लगभग 6-7 महीना हुआ है और आप देख सकते हो इसकी ग्रोथ चारों तरफ से ऐसी लटक गई है, ठीक है। तो ये भी एक बात है। तीसरी आती हो फ्रेंड्स, मनी प्लांट अगर आपने मिट्टी पे लगाया हुआ है, और मिट्टी तो आपको आपको पता है आपको गार्डनिंग सॉइल लेनी है, 40% गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट लेना है। इसको थोड़ी सी एसिडिक मिट्टी पसंद है तो आप गोबर खाद इस्तेमाल कर सकते हो या फिर वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हो, और फिर बालू मिट्टी में लगे एक बहुत ही अच्छी वेल ड्रेनेज मिट्टी बनाओ ताकि इस पर पानी अटकने न पाए। वैसे तो ये पानी में ग्रो हो जाती है, लेकिन अगर मिट्टी पर लगाते हो पानी रुक जाती है आपके पॉट में तो आपकी मनी प्लांट ख़राब होने लगती है। ये एक कारण होती है कि पॉट पे आप लगाते हो आपकी मनी प्लांट सड़ जाती है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। जो भी पॉट आप लोगे, पॉट के नीचे से अच्छी तरीके से होल होना चाहिए, नीचे से होल होना चाहिए ताकि मिट्टी पे जब भी आप पानी दोगे आपकी जो मिट्टी है वो अच्छी तरीके से, पानी अच्छी तरीके से ड्रेन आउट होके बाहर निकल जाए। तो इस तरीके से आप अपनी जो मनी प्लांट है इसकी कटिंग को आप लगा सकते हो। और फिर फ्रेंड्स आती हो, कभी कभी क्या होता है, हम लोग ऐसे रूट वाला भी कट हम लगाते हैं लेकिन ये मर जाती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे आसान तरीका है, आप अपने मनी प्लांट को जहाँ रखा है वहाँ और एक पॉट रख के आप इसको इस तरीके से लगा दो, ठीक है। तो जब ये पूरी तरीके से, लगभग मैंने एक दिया है, आप इस पर बहुत सारी टहनियाँ जो लटकी हुई होती है वो टहनियों को लाके अब इस पर लगा दो, लगभग एक हफ्ते में उस पर सभी जो मिट्टी पे लगा हुआ है सब पे रूट आ जाती है और आपकी मनी प्लांट ग्रो हो जाती है। फिर आप इसको यहाँ से कट कर दो, ठीक है, यहाँ से कट कर दो तो आपकी जो ये मनी प्लांट आप जो लगाना चाहते थे वो अच्छी तरीके से आपको कहीं भी पानी में भी ग्रो नहीं करना पड़ेगा, सड़ेगा भी नहीं और आपकी मनी प्लांट ग्रो हो जाएगी।
ये एक बहुत ही अच्छी तरीका है कि आप अपने जो मनी प्लांट की पॉट है उसकी साइड पे और एक पॉट रख दो, उसके बाद इसकी मनी प्लांट को जो लटकी हुई जो लंबी स्टेम होती है उनको आप वहाँ इस तरीके से मिट्टी पे लगा दो, अच्छे तरीके से मनी प्लांट ग्रो हो जाती है। मनी प्लांट को बहुत हेल्दी और अच्छी लीव्स पाने के लिए, क्योंकि ये लीफी प्लांट है तो इसको नाइट्रोजन बेस्ड खाना ही पसंद है और इसको थोड़ी सी एसिडिक सॉइल भी पसंद है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लगभग 15 दिन बाद जैसे कि देखो मैं इस्तेमाल करती हूँ ये जो सी वीड है ये बहुत ही अच्छी होती है, ऑर्गेनिक होती है, नाइट्रोजन से भरपूर होती है। अगर ये आप 15 दिन बाद अपनी प्लांट पे यूज़ करो, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप इसको इस तरीके से बीच में से आप इस तरीके से डाल दो अपनी प्लांट पे, चारों तरफ से ऐसे डाल दो, धीरे धीरे जो बारिश की पानी गिरेगी या फिर जो आप पानी दोगे वो गिरेगी, धीरे धीरे वो क्या होगा डिकम्पोस्ट होगी, गलेगी और आपकी प्लांट को अच्छी तरीके से फुल न्यूट्रिशन आपको पहुंचाएगी इसकी प्लांट आपकी प्लांट को, और प्लांट की जो पत्तियां है लीव से बहुत हेल्दी हो जाएगी। और एक तरीका आप कर सकते हो, बहुत ही ऑर्गेनिक है, बहुत ही अच्छी होती है, ये जो देख रहे हो आप ये जो ये है जो चाय की पत्ती है उसका पानी है, बहुत ही अच्छी होती है। जो मनी प्लांट की जो मिट्टी है उसको एसिडिक, थोड़ी सी एसिडिक मिट्टी पसंद है। अगर आप बीच बीच में एक बार आपने ये दे दिया सीविड दे दिया, दूसरी बार अगर आप ये लिक्विड देते हो 15 दिन बाद आप ये लिक्विड यूज़ करते हो तो आपकी जो मनी प्लांट है उसको फुल न्यूट्रिशन मिलेगी और आपकी मनी प्लांट बहुत जल्दी ग्रो भी करेगी और बहुत जल्दी ही इसकी जो लीव्स है बहुत अच्छी बुशी हो जाएगी और लीव्स बहुत ही हेल्दी रहेगी। और लीव्स अगर बड़ा करना चाहते हो तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इस तरीके से आप बड़ा कर सकते हो क्योंकि इसको फुल न्यूट्रिशन मिलेगी और आपकी प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर लेगी। और फिर फ्रेंड्स आती हूँ इसको इसकी कट, ठीक है, इसको आप जितना ज़्यादा काटोगे जितना ज़्यादा आप यहाँ से जैसे कि नॉड एरिया से आप काट काट के अलग अलग जगह पे लगा दो तो बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारे स्टेम भी निकल आएगी और आपकी मनी प्लांट बुशी हो जाएगी। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई मनी प्लांट की, अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में रह जाए प्लीज़ मुझे बताना। और मनी प्लांट की और एक बात है फ्रेंड्स, मनी प्लांट वास्तु के हिसाब से भी घर में लगाना अच्छा है और मनी प्लांट को अगर आप चाहो तो लीफ से भी ग्रो कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लीफ को तोड़ के आप इसको पानी में रख दो, लगभग 2 हफ्ते में लीफ से भी यहाँ से रूट निकल आती है, तो बहुत ही अच्छी ऑप्शन होती है मनी प्लांट को ग्रो करने का पानी में, ठीक है। तो उसके बाद जब इस पर रूट निकल आए उसके बाद आप इसको मिट्टी पर लगा दो। और तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे या फिर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में रहे प्लीज़ मुझे बताना, और पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना और प्लीज़ मेरे वीडियो पे बने रहिए और देखिए और अच्छे रहिए खुश रहिए। इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ, मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।